वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें आज एनसीईआरटी का 15वां क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, तो आइए हम लोग 15 नंबर से अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, इसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं, आप समझिए। देखिए क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र E 3×10³ इसमें I के ऊपर कैप लगा हुआ है। इस चीज को हम समझाएंगे, ये क्या है। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, पर विचार कीजिए, कहता है इस पे विचार कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है ए नंबर में क्वेश्चन, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल y z के समांतर है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो यानी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सूचित किए थे फाई से। अब फाई बराबर याद कीजिए, बताए थे EdS cos θ, ये पढ़ाए थे आपको गॉसियस थ्योरम में, याद कीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर EdS cos θ। E था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ds था वेक्टर एरिया, और ये जो थीटा जो लिए थे इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बीच का कोण लिए थे। तो यहाँ पे देखिए, आप पढ़े होंगे 11th में वेक्टर, और उस वेक्टर में आप पढ़े होंगे एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट वेक्टर का जो यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए करते हैं, जिसमें इसका यूज डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन जिसे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है वह आई यूनिट वेक्टर, वाई के लिए हम लोग यूज करते हैं जे, और जेड के लिए हम लोग यूज करते हैं के। ये सभी का मोडुलस यानी मैग्नीट्यूड जो होता है, ये सभी का जो होता है वन के क्या हो जाता है, बराबर होता है। अब यहां पे लगा हुआ है आई कैप, तो इसका मतलब है जो यह इंटेंसिटी काम कर रहा होगा या फील्ड जो वर्क करता होगा वह किसके अलोंग करता होगा, देखिए तो एक्स एक्सिस के अलोंग करता। अब यहीं पे जे लिखा रहता तो यह किसके अलोंग करता, वाई के अलोंग। यहां पे यदि के लिखा रहता तो इसका मतलब वह क्या होता, जेड एक्सिस के अलोंग वर्क करता। लेकिन यहां पे आई है तो इसलिए हम लोग मान के चलेंगे ये वर्क किधर कर रहा है बाबू, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों एक्सिस का यूज हो रहा है, जैसा कि देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। एक जो हम लोग वर्ग ले रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 10 एमपी भुजा के वर्ग जो है वह वाई जेड के समांतर है। तो सोचिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आइए यहाँ पे अब सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस तो ऐसा होगा, जेड एक्सिस ऐसा होगा। अब इसी जेड एक्सिस पे कोई कहता है एक वर्ग है, तो सोचिए तो जेड एक्सिस कहता है वाई और जेड के समांतर एक वर्ग कर रहा है, तो वाई ये हुआ जेड, इसके ऊपर एक वर्ग होगा। तो इस तरह से होगा, ये इस साइड से भुजा होगा, ये इस तरह से होगा, इसके अलोंग एक वर्ग होगा, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली इसको बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से इस पे वर्ग है, देखिए ऐसे है एक भुजा जो कि 10 सेंटीमीटर का होगा, एक भुजा ये हुआ, एक तो ये काम कर रहा है, एक इधर से, यानी इस तरह से आपका एक वर्ग है। और इंटेंसिटी इधर काम कर रहा है, चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, आई बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इधर कर रहा है। तो इसको हम लोग बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे, चूंकि ये थ्री डायमेंशनल है, तो इसको हम एक इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ये जेड एक्सिस, ये जेड। अब यहाँ पे एक वर्ग है जो कि अभी हम दिखा रहे थे, इस तरह से वर्ग है, मान लेते हैं ये वर्ग है। अब ये साइड आपका टोटल साइड जो है वह 10 सेंटीमीटर का, सॉरी, और इधर जो
इंटेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग जो काम कर रहा है वह कितना कर रहा है देखिए, 3 × 10 के पावर क्या है 3, आई का तो वैल्यू 1 हो जाएगा और न्यूटन पर कूलम, तो इसी डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी काम कर रहा है। तो इसका जो सबसे पहले ये तो भुजा दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, तो इसका हमको एरिया निकालना होगा। चूंकि आप फाई बराबर जानते हैं ई डी एस डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखे, चूंकि इसका एंगल उसी डायरेक्शन में होगा 0 डिग्री, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, तो इस रूप में तो फाई आपको निकालना है, यानी फाई जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युतीय फ्लक्स, यही कहता है फ्लक्स निकाल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जरूरी किसका है, आपको जरूरी पड़ेगा इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी यानी फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया है 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, और डी एस क्या है वेक्टर एरिया है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा देखिए कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, और इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो 1/10 क्या लिखे 100 लिखें, 10 कट गए, 10⁻¹, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये इसका भुजा है। तो एरिया निकालना है तो भुजा स्क्वायर, तो यानी क्या होगा 10⁻¹ का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10⁻², और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। यानी इसका एरिया भी पता है, और इसी एरिया को ये जो वेक्टर एरिया है इसी को वेक्टर एरिया के इसको एरिया के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी डी एस लिखिए या डी एस लिखिए, पूरा एरिया निकल गया इसका। अब यहाँ पे फाई निकालना है, तो फाई बराबर ई का वैल्यू देखिए क्या है 3 × 10³ लिख दीजिए, और यहाँ पे गौर कीजिएगा तो डी एस यानी ए इसका क्या है भुजा स्क्वायर, यानी 10³ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा 3 × यहाँ पे 10³ क्या है 3, यहाँ पे 10⁻², माइनस घट जाएगा क्या होगा 10, यानी फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 क्या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये 30 निकल गया। अब जब बात करें इसका यूनिट लगाने का, तो आप इसमें यूनिट भी लगाइएगा, तो यहाँ पे यूनिट बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये आपका ये क्या हो गया इसका यूनिट हो गया। तो यानी इस कंडीशन में इसका जो फ्लक्स होगा वह कितना होगा 3 Nm² पर कूलम हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बी नंबर और भी है, तो बी नंबर को हम लोग समझते हैं, तो देखिए कहता है इसी वर्ग से गुजरने वाला जो फ्लक्स है कितना है, यदि इसके तल पर अभिलंब से कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री, यानी कहता है कि थीटा इसका कितना डिग्री दोनों के बीच का है 60 डिग्री। अब बाकी सारा कुछ वही है, यानी इंटेंसिटी ई बराबर कितना दिया है 3 × 10³ न्यूटन पर कूलम, और इसका एरिया निकाल चुके हैं बी एस यानी वेक्टर एरिया इसका निकाल चुके हैं कितना है, कितना निकला है 10⁻²⁻² निकल हुआ। अब देखिए तो फाई इक्वल टू क्या जान रहे थे ईडीएस कॉस थीटा, यानी ईडीएस कॉस थीटा, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू ईडीएस का मान आप निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे वही वैल्यू निकाले थे, तो क्या आया इस सभी का एक बार लिख देते हैं 3 × 10³ × 10⁻², रख दिए, और यहाँ पे कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो फाइव इक्वल टू इसको गुना भाग किए थे, तो आपको रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया था 30, तो इसका भी यहाँ पे देगा 30 ही देगा, तो 1/2 तो क्या हो जाएगा 15, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 Nm² पर कूलम, ये हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर हुआ, तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकाले, तो ये आपका सोल्यूशन था 15 नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको पहले नोट कीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, ये इसे हम लोग जवाब दे देंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन के ही अनुसार, तो हम पढ़ रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को।
यदि आपके पास बुक होगा तो उसको लिख करके आप इस तरह से आंसर लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न जो है 15 के अनुसार ही है, एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जोड़कर इस प्रकार अभी विन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, यानी पैरेलल हो जाता है, तो नेट फ्लक्स गुजरेगा। कहता है कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इसका फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा शून्य। तो क्या है, घन से गुजरने वाले नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि इसकी विद्युत बल रेखाएं 20 सेंटीमीटर भुजा के एक फ्लक्स से प्रवेश करती है, तो उतना ही सेम जो होता है उतना ही विपरीत फ्लक्स से भी निर्गत होती है, तो इसलिए इसका फ्लक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वह टोटल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये 16 नंबर जो है ये बनाने वाला इस तरह से नहीं है, ये मौखिक ही बन जाएगा, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, किसी काले बॉक्स बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यह फ्लक्स का वैल्यू क्या है। तो बॉक्स जो होता है यह कैसा होता है, एक घनाभ की तरह होता है, ये चारों साइड से क्या होता है, सभी साइड से ये क्या होता है, बंद होता है, तो इस पे गॉस का प्रमेय लागू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो ये मान लीजिए ये बॉक्स, तो ये बॉक्स है, ये मान लेते हैं ये बॉक्स, तो इसका आकार जो होता है ये घनाभ की तरह होता है बक्सा का। अब इस पे फ्लक्स का वैल्यू दिया है, यानी फाइ दिया हुआ है, इसके ऊपर जो फ्लक्स है वह कितना है, 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये बॉक्स पे फ्लक्स दिया हुआ है। तो कहता क्या है, ए नंबर में कहता है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, तो आवेश पूछ रहा है, तो यानी फाइ का वैल्यू दिया है तो कितना, 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया हुआ है। उसके बाद क्यू कहता है कितना होगा, तो याद कीजिए बाय गॉसियस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से, तो फाइ बराबर क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 8.854 भी लेते हैं × 10^-12 और 12, और इसका यूनिट हम लोग यूज करते थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ पे चार्ज यानी फ्लक्स आपको पता है और यहाँ पे चार्ज निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो क्यू इक्वल टू क्या कर देंगे, फाइ इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो यहाँ पे फाइ बराबर क्या होगा, तो फाइ का वैल्यू लिखिए 8×10³ इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.854×10^-12, अब इसको गुणा कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर हम लिख देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपको 0.071 माइक्रो कूलम, यानी आपको इस रूप में आएगा, तो इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर दिया गया है, मान लीजिए इस रूप में आएगा, ध्यान दीजिएगा गुणा भाग करने के बाद 0.071×10^-6 आएगा कूलम में, तो इसको ही माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.071 माइक्रो कूलम हो गया, ये आपका चार्ज निकल गया यहाँ से। अब दूसरा में सोचिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें बी नंबर क्या कर रहा है, इसी का बी देखिए क्या कहता है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य, यानी फाइ का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो बॉक्स के भीतर चार्ज क्या होगा, तो देखिए खुद सोचिए, यानी फाइ बराबर कहता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका फ्लक्स जीरो हो जाए, तो 0×क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट
तो यहाँ पे तो आपको चार्ज पूछ रहा है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो q बराबर फाइ का मान जीरो, एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो गया जीरो, यानी इसका चार्ज क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो कहता है कि क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, तो कह रहा है कि इसके भी इस कंडीशन में जब फ्लक्स इसका जीरो हो जाए तो इसका मतलब कहता है कि चार्ज जीरो हो रहा है, तो चार्ज जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या निष्कर्ष होगा, तो इस चीज को समझिए। यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स के अंदर ऐसा नहीं मानिए कि चार्ज जीरो है, कुछ ना कुछ चार्ज, मान के चलिए इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बॉक्स के अंदर क्या है निगेटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव और उतना ही निगेटिव दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो नेट जो चार्ज होगा उसका क्या दे देगा जीरो। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो चूंकि फ्लक्स जीरो तो चार्ज क्या हो जाएगा जीरो, इसका मतलब है कि जितना इसमें पॉजिटिव होगा और उतना ही इसमें निगेटिव हुआ, इसके वजह से फ्लक्स जीरो हुआ तो इसका चार्ज भी अंदर में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो आइए इसको नोट कीजिए फिर आगे। आइए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, संकेत में दिया हुआ है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। तो समझ ही आइए इसका सॉल्यूशन, इसमें समझने योग्य बात कि ये देखिए यह मान लीजिए एक वर्ग है, तो यह वर्ग है तो इस पे गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि गॉस साहब कहते हैं कि बंद सतह पे ही गॉस का प्रमेय लागू होगा, और ये एक वर्ग है तो वर्ग है तो ये क्या है खुला हुआ है, तो इस वर्ग को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दीवार इधर से जोड़ना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर का, और एक दीवार इधर से करना पड़ेगा, एक ऊपर से करना पड़ेगा, तो आपका कितना साइड हो जाएगा, देखिए एक ये हुआ दो ये हुआ, उसके बाद दो इधर हो गया, अब फिर दो इधर तो चार हो गया, एक नीचे पांच, एक ऊपर छह, यानी छह साइड इसमें हम लगाएंगे, छह साइड से इसको घेरेंगे तो ये एक क्या बन जाएगा घन बन जाएगा, तो घन बन जाएगा तो ये एक बंद सरफेस हो जाएगा, तो बंद सरफेस पे गॉस का प्रमेय लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि सिर्फ वर्ग पे ही निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए। तो इसी वर्ग को हम लोग छह तरह के वर्ग से एक घन का हम लोग निर्माण करते हैं, देखिए ये कितना हो गया ये घन बन गया, ये घन जो है तो आप देखिए सभी साइड से ये क्या है बंद है, तो इसका मतलब है कि इस पे गॉस का प्रमेय लागू होगा और इस पे गॉस का प्रमेय अभी लागू नहीं होगा, तो इस पे यदि गॉस का प्रमेय लागू होगा तो इस पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू क्यू बटे क्या हो जाएगा बाबू एप्सिलॉन नॉट, ये किस कंडीशन में होगा जब इसका कितना पृष्ठ हो छह पृष्ठ, छह पृष्ठ पर निकालना है तो गॉस का प्रमेय क्या हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस पे कह रहा है एक पृष्ठ का निकालिए मतलब एक वर्ग का निकालना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि 6 पृष्ठ का कहता तो यहाँ पे क्या करना पड़ता 6/6 ये कट जाता तो फिर यही ना बचता, तो यानी 6 पृष्ठ यानी 6 पृष्ठ का यदि कहता तो 6/6 लिखते यानी एक वर्ग का निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं 1/6 कर देंगे, यदि 2 पृष्ठ का करना पड़ता तो 2/6 कर देते, 3 पृष्ठ का निकालना रहता तो 3/6 कर देते, 4 के लिए निकालना रहता तो 4/6 कर देते, 5 निकालना रहता तो 5/6 कर देते, और यदि कहता कि पूरे घन का निकाले तो 6/6 कर जाता तो फिर यही फार्मूला हो जाता है 5 बराबर q बटे एप्सिलॉन।
तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रो, यहाँ पे प्लस 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा गया है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले, ऐसा नहीं कह रहा है कि घन से गुजरने वाले फ्लक्स, ये नहीं कह रहा। देखिए कहता है इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मतलब परिमाण निकाले, यानी वर्ग से ही काला है, घन से नहीं काला है। तो खुद सोचिए पूरे घन का क्या होता है, फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए एक पृष्ठ का क्या हो जाएगा, वन बटे क्या हो जाएगा, सिक्स कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बटे सिक्स, चूंकि एक का काला है, आई इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे सिक्स इंटू क्यू का मान देखिए चार्ज कितना दिया है, 10 माइक्रो कूलम। तो 10 माइक्रो कूलम को हम लोग कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 लिख देंगे, अब बट है एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस 12। तो इसको हम लोग गुना भाग करेंगे, रिजल्ट देगा। तो वह रिजल्ट हम आपको लिख देते हैं, ये रिजल्ट देगा आपको 1.88 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कहता है, 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। कहता है 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन के गौसीय पृष्ठ पे है, यानी इसके चारों ओर जो है सभी साइड से आपका ये चार्ज दिया हुआ, चार्ज का ये वैल्यू हो गया, और इसका साइड दिया है सभी का साइड मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है। तो क्या इसका ये साइज दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि किसी किसी एक भाग पे फ्लक्स निकालिए, तो कहता है पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी टोटल फ्लक्स ही इसमें निकालना है। तो क्यू का यानी ये चूंकि बंद है तो इस पे पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सीधा सीधी बना दीजिए, अब पिछले प्लस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, एक वर्ग पे निकालिए, इसीलिए 1/6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे सभी पे निकालना है, तो इसीलिए 1/6/6 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आपको क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा। तो क्यू क्या दिया हुआ है, तो क्यू दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, तो कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट 8.854 × 10⁻¹² और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्लक्स कहता है निकालने के लिए, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये बंद है इस पे लागू होगा गॉसियन थ्योरम, और गॉसियन सरफेस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू रख दीजिए 2 × 10⁻⁶ बटे 8.854 × 10⁻², और इसको सॉल्व कीजिए, आंसर देगा, आप सॉल्व बैठ के करते रहिएगा। हम आंसर इसका लिखते हैं 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 19 नंबर का सॉल्यूशन था, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है, एनसीईआरटी का 20 नंबर। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन सुनिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का वैल्यू दिया है −1.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो कहता है ए नंबर में यदि गौस पृष्ठ की त्रिज्या क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स कितना गुजरेगा ये कहता है निकालने के लिए। तो विद्युत आवेश, दूसरा कह रहा है बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो समझिए सॉल्यूशन देखिए,
गोला है और ये कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर, यानी आर जो है ये 10 सेंटीमीटर है। और इस वक्त इसका फ्लक्स क्या है, इस वक्त इसका फ्लक्स दिया है माइनस 1.0 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, अब कहता है इसकी त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए। तो अब इस कंडीशन में देखिए फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जब इसके त्रिज्या को हम लोग दोगुनी कर देते हैं तो पहले 10 था तो अब क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी दोगुनी हो जाएगा। तो आप देखिए फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कहीं भी आपको रेडियस नजर आ रहा है, देखिए तो ध्यान से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यानी चार्ज है और ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम है, कहाँ पे ये गोला स्थित है, तो यहाँ पे रेडियस नहीं है। तो इसका मतलब जो है फ्लक्स जो है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो यानी दो गुना भी कर देंगे तो इसके फ्लक्स पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी फ्लक्स जो होगा ए नंबर में, जितना फ्लक्स पहले था जो गुना करने पे भी उसके फ्लक्स में नहीं चेंजिंग आएगा, तो इस कंडीशन में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1.0 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर और कुछ कह रहा है, बी नंबर में कहता है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा, यानी चार्ज कितना होगा, यानी फ्लक्स इतना है तो चार्ज क्या होगा। तो आइए निकालते हैं, तो आप फाइ बराबर क्या जानते हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन, आपको क्यू एप्सिलॉन, तो क्यू इक्वल टू फाइ का मान कितना है, देखिए माइनस 1.0 इंटू 10 के पावर क्या है बाबू, 3, और एप्सिलॉन नॉट का 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस 12। अब गुना भाग कीजिएगा रिजल्ट देगा, वह रिजल्ट क्या देगा, उस रिजल्ट को हम लिख देते हैं, तो रिजल्ट आएगा माइनस 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ये पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस 8.854 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10 के पावर 3 है, यहाँ पे 10 के पावर माइनस 12 है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 9। इसको 9 कूलम में भी लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है माइनस 8.854 9 कूलम भी हो जाएगा, चूंकि 1 9 कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 9 कूलम होता है। तो ये था आपका 20 नंबर एनसीईआरटी का, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।